नाजरीन, वेलकम टू माय चैनल वंदे मातरम। और आज जो है हम ये फ़िश फ्राई बनाने जा रहे हैं। तो ये खाने में बहुत ही टेस्टी है और अंदर से बहुत ही जूसी है। इसके मैरिनेट से लेकर के और इसकी फ़िश फ्राई होने तक की पूरी रेसिपी को जानने के लिए चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और आइए हम फटाफट से देखते हैं कि हमें इस फिश फ्राई को बनाने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी। तो ये मैंने फ़िश ले ली है और ये फ़िश जो है तकरीबन 1 किलो है। अगर इसमें वज़न से मैं देखूं तो आइए हम इसका मसाला जो है मैरिनेट करने का पहले उसे हम रेडी कर लेते हैं। तो उसके लिए हम एक चौड़ा बर्तन ले लेंगे। तो सबसे पहले मैं दही ले लेती हूँ। इसके बाद हम इसमें मिलाएंगे 1 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर और ये मार्केट में फ़िश टिक्का पाउडर आता है, इजीली मिल जाता है, ये भी इसमें डाल देंगे हम। ये बहुत टेस्टी लगता है इससे। तो इसे अगर आपको हो सकता है आपके आसपास थोड़ा ना मिले या तो फिर आप मॉल में जाकर लीजिए, वहाँ आपको 100% मिल जाएगा ये। तो इसे आप ज़रूर डालिए। साथ ही इसमें 1/2 कटोरी बेसन, नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट, चाट मसाला और इन सब को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। इसमें हम पानी का बिल्कुल यूज़ नहीं करेंगे। अगर आपको जो है ये बैटर थोड़ा गाढ़ा लगे तो हम थोड़ा सा दही और ऐड कर लेंगे इसके अंदर। तो इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं पहले। अब इसके बाद साथ ही हम इसमें 1 लेमन जो है वो निचोड़ देंगे इसके अंदर। और इसके साथ थोड़ा सा गरम मसाला। तो इसे हमने अच्छे से मिक्स कर लिया। अब जो मेरी फिश के पीसेस है उसको हम इसके अंदर डाल देंगे। और अब जो है थोड़ा सा हाथों से काम करना है। इसे अच्छे से सारा का सारा मसाला जो है फिश में हमें चारों तरफ कोट कर देना है। तो इस तरीके से हमें इसको अच्छी तरह से इसे मिला लेना है इसके साथ। आप किस तरह से फिश फ्राई बनाते हैं, अगर आप देख रहे हैं नए मेरे चैनल को, तो प्लीज़ मुझे आप ज़रूर से बताएं कि आप जो है आपकी क्या रेसिपी है फ़िश फ्राई की। तो ये देखिए मैंने इसे अच्छे से इसे इसके अंदर मिला लिया है। और इसे 1 घंटे के लिए मैं ऐसे ही रख दूंगी। इसे 1 घंटे बाद हम देखते हैं इसको। जब तक हमारी फिश जो है वो मैरिनेट हो रही है तो इसमें मैंने लहसुन और अदरक पीसा था, उसी के अंदर मैं हरे धनिया की चटनी हम बना लेते हैं। तो उसके अंदर मैंने हरा धनिया डाल दिया, साथ में इसमें हरी मिर्च डाल दी है, नमक डाल दिया, 3 लहसुन की कलियां और साथ ही इसमें हम दही डाल देंगे, जीरा पाउडर। और इसे अब हम पीस लेते हैं चटनी को। तो ये देखिए मेरी चटनी जो है वो बन करके रेडी हो गई है। तो अपनी चटनी को हम इस कटोरी के अंदर निकाल देते हैं। तो सबसे पहले हम अपने कढ़ाई में सरसों का तेल जो है वो गर्म करने के लिए रख देते हैं, क्योंकि सरसों के तेल को गर्म होने में थोड़ा सा टाइम लगता है।
एक घंटा हो गया है और हम अपनी फिश को देखते हैं, तो ये देखिए इसने जो भी पानी जो था वो पूरा इसने सोख कर लिया है। अब इस मछली को क्रिस्पी करने के लिए इसमें 2 चम्मच जो है वो कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं है तो आप यहाँ पर अरारोट का आटा भी यूज़ कर सकते हैं। और इसे अच्छी तरह से हम मिला लेते हैं। तेल हमारा अच्छे से गरम हो गया है और इसमें एक एक पीस करके हम सारी फिश को अब फ्राई कर लेते हैं। ज़्यादा फिश हम इसको फ्राई नहीं करेंगे, थोड़ी थोड़ी मैंने 4 पीसेस ही फिश के फ्राई किए हैं अभी। आराम से इसे हम टर्न करेंगे, ये देखिए कितना इजीली टर्न हो जाएगा ये। और उलट पुलट करते हुए हम अच्छी तरह से इसे हम गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। तो ये देखिए फिश जो है अच्छे से फ्राई हो गई हैं और इनको जो है मैं निकाल लेती हूँ। इसी तरह से बाकी की फिश जो है उसे भी मैं इसी तरह से फ्राई कर लेती हूँ। आराम से इन्हें वापस टर्न कर लेते हैं हम। और उलट पुलट करते हुए इन्हें भी हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। और इन फिश को भी हम निकाल लेते हैं। हमारी फिश फ्राई हो चुकी है अच्छे से पूरी। और ये देखिए तैयार है मेरी फिश फ्राई। और ये धनिए की चटनी के साथ इसे आप सर्व कीजिए। और आप एक बार इसे ज़रूर बनाकर देखिए। अगर आपको अच्छी लगे तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।